इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राजस्थान में लगातार कोरोना का जो दायरा है वो बढ़ता जा रहा है। 2 बजे की ताजा रिपोर्ट में 68 कोरोना पॉजिटिव केसेस राजस्थान से सामने आए। उदयपुर से 32, जयपुर में 22, अजमेर में 1, चित्तौड़गढ़ में भी 1 कोरोना का पॉजिटिव पाया गया है। चुरू में 1, हनुमानगढ़ में 1, झुंझुनू में 2 कोरोना पॉजिटिव, कोटा में 5, पाली में 1, सीकर में 2 कोरोना के पॉजिटिव आज भी सामने आए। लगातार दायरा बढ़ता जा रहा है। प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव की संख्या 4056। प्रदेश में आज 2 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की मौत भी हुई है। बीकानेर और जालौर जिला है जहां पर कोरोना पॉजिटिव की मौत हुई है। और इसी खबर पर अधिक अपडेट के लिए एवन संवाददाता लोकेश ओला मेरे साथ में इस वक्त फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं। लोकेश, लगातार जो कोरोना का दायरा है प्रदेश में अपने पैर पसारा है, 68 नए कोरोना पॉजिटिव केसेस, 2 बजे की ताजा रिपोर्ट। जी बिल्कुल, लगातार कोरोना का जो पॉजिटिव केसेस का जो मामला है वो लगातार प्रदेश में बढ़ता जा रहा है, जिसमें सबसे बड़ी चिंता की बात उदयपुर को लेकर है। तो उदयपुर में आज 32 कोरोना पॉजिटिव सामने आए हैं और उदयपुर में 214 अब तक कोरोना पॉजिटिव सामने आ चुके हैं। वहीं जयपुर में भी आज 22 कोरोना पॉजिटिव सामने आए और जयपुर में कोरोना पॉजिटिव की संख्या बढ़कर 1269 हो चुकी है, जो लगातार बढ़ती जा रही है। इसी तरह बात करें तो प्रदेश के अलग अलग जिलों में लगातार कोरोना पॉजिटिव आ रहे हैं, जिसमें अजमेर में आज 1 पॉजिटिव आया है, अजमेर में 233 चुके हैं। उसी तरह बात करें तो अलग अलग जिलों में कोटा में 5 कोरोना पॉजिटिव आने के बाद वहां पर संख्या 264 हो चुकी है। इसी तरह लगातार जो कोरोना पॉजिटिव की संख्या बढ़कर अब 4056 हो चुकी है। वहीं जो मौतों का आंकड़ा है वो भी लगातार बढ़ता जा रहा है और अब तक प्रदेश में 115 कोरोना पॉजिटिव की मौत हो चुकी है। इसी तरह लेकिन जो राहत भरी खबर यह है की जो कोरोना से रिकवर होने वाली संख्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है। इसमें सबसे अधिक बात करें तो जयपुर में अब तक 805 कोरोना पॉजिटिव ठीक हो चुके हैं, उनमें से 744 को डिस्चार्ज कर दिया गया। और अब जयपुर की बात करें तो 405 एक्टिव केस है जयपुर में। इसी तरह प्रदेश में अब तक 378 कोरोना पॉजिटिव वो ठीक हो चुके हैं, वहीं 2111 को डिस्चार्ज कर दिया गया है। और एक्टिव केस की बात करें तो प्रदेश में 1563 एक्टिव केस है। वहीं जांचों का सैंपल दायरा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और अब तक तकरीबन 1,85,000 के करीब जो कोरोना के सैंपल है वो लिए जा चुके हैं। ऐसे में जैसा विभाग की ओर से सतर्कता के साथ काम किया जा रहा है। प्रदेश में जहाँ जहाँ कोरोना पॉजिटिव सामने आ रहे हैं, जहाँ पर अधिक संख्या में आ रहे हैं, वहाँ पर कर्फ्यू लगाकर वहाँ के लोगों को रोका जा रहा है ताकि आवागमन नहीं हो और वहाँ से संक्रमण दूसरी जगह नहीं जाए। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए जिला विभाग की ओर से और राजस्थान सरकार की ओर से जो प्रयास किया जा रहा है कोरोना संक्रमण को लेकर। जी लोकेश, एक और चीज आपसे जानना चाहूंगी, जिस प्रकार से उदयपुर नया एपिसेंटर कोरोना का प्रदेश में बनकर उभरा, तो अभी फिलहाल क्या स्थिति है उदयपुर की? जी देखिए, बता रहा हूँ, उदयपुर में एक बस्ती बताई जा रही है जहाँ पर केवल केसेज है वो एक ही जगह से सामने आ रहे हैं। लेकिन चिंता की बात यह है कि वहाँ से लगातार कोरोना पॉजिटिव सामने आ रहे हैं और पिछले 4-5 दिनों में ही जो पॉजिटिव केसेज की संख्या है वो बढ़कर इतनी सामने आई है और वहाँ पे 214 अब तक कोरोना पॉजिटिव सामने आ चुके हैं। ऐसे में उदयपुर के लेकर चिंताएं बढ़ चुकी है। हालांकि चिकित्सा विभाग ने अतिरिक्त टीमें वहाँ भेज कर कोरोना कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। इसी के साथ में बता दें जो स्वास्थ्य विभाग की जो टीम है वो जयपुर और चित्तौड़ का दौरा कर चुकी है। जयपुर में भी अब जो लगातार जहाँ जहाँ कोरोना पॉजिटिव आ रहे हैं वहाँ का दौरा कर रहे हैं। आज अस्पताल में जाकर वहाँ की व्यवस्थाओं का दौरा जो जायजा लिया है और अस्पताल के अधीक्षक और प्रिंसिपल के साथ में बैठक कर वहाँ की जो तमाम सुविधाएं हैं अस्पताल में, किस तरह से कोरोना के पॉजिटिव केसेस को इनकी नेगेटिव करने का काम किया जा रहा है या फिर उनको ठीक करने का काम किया जा रहा है, इन सभी बातों को लेकर उन्होंने निर्देश लिए हैं। साथ ही साथ जो तमाम जानकारी है वो दी है, साथ ही जो उचित दिशा निर्देश है वो केंद्र की टीम की ओर से दिए गए हैं। बात करें तो लगातार जो केंद्र की टीम प्रदेश के अलग अलग जिलों में जहाँ अधिक कोरोना पॉजिटिव आ रहे अब बात कर सामने आ रही है, उदयपुर में भी केंद्र की टीम जाकर वहाँ के भी निरीक्षण करेगी वहाँ किस तरह से जो कोरोना पॉजिटिव है वो बढ़ रहे हैं। इन सभी बातों को लेकर चिकित्सा विभाग और केंद्रीय चिकित्सा विभाग लगातार अपने जिले जमाए हुए हैं। जी जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया लोकेश। प्रदेश में लगातार यहाँ पर कोरोना का संक्रमण अपने पैर पसारा है। 2 बजे की ताजा रिपोर्ट, 68 केसेस प्रदेश से आज भी दर्ज किए गए, 2 मौतें भी आज प्रदेश में हुई है कोरोना वायरस के चलते और 4056 हो गया है प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा।